हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बजाज पल्सर N160 का, और आज हम लोग जानेंगे इसका प्राइस, फीचर्स, माइलेज, और ये कितना कलर आता है और कितने वेरिएंट में मिलता है। ये सब चीज़ की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है डिटेल से। और ये गाड़ी उपलब्ध है भवानी ऑटो महासमुंद छत्तीसगढ़ में, और शोरूम का कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस है, तो इसका ऑन रोड प्राइस है 151,000 अपने छत्तीसगढ़ में, और अलग अलग स्टेट के हिसाब से आप लोग को अलग अलग इसका प्राइस मिल जाएगा, 1-2 हज़ार का बस डिफरेंस रहेगा। इसमें एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा आप लोग को। और इसकी कलर की बात करें तो इसमें वाइट, रेड, ब्लू और ग्रे कलर का ऑप्शन है, और देख सकते हैं इसका लुक जो कि बहुत ही अच्छी है। इसका हेडलैम्प आप लोग को 125, 160 और 200 के जैसा ही है, सेम है। आप लोग को देखने से आप लोग को पता नहीं चलेगा, साइड से आप लोग इसका 160 लिखा हुआ देखेंगे तब ही पता चलेगा। हैलोजन हेडलैम्प मिलेगा, बजाज का स्टिकर है, ऊपर विंडशील्ड है, पायलट लैम्प, इंडिकेटर, नंबर प्लेट, ब्लैक कलर में आप लोग मडगार्ड मिल जाएगा, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, ABS रिफ्लेक्टर, डिस्क ब्लेड और ABS दिया गया है। और इसके टायर सेक्शन में आते हैं तो इसका टायर सेक्शन आप लोग को मिल जाएगा 90x17 इंच के टायर आप लोग को मिल जाएगा, और सिंगल हॉर्न, ऑक्सीजन सेंसर के साथ आप लोग को मिल जाएगा, कैटलेटिक कन्वर्टर, लेग गार्ड, और ऊपर कॉल में देख सकते हैं ऑयल कूल्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। और 160 का यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स वगैरह किया गया है देख सकते हैं यहाँ से, जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है। फ्यूल इंजेक्शन लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोग को छोटा सा इसके स्टिकर में, और साइड पैनल, और चेचिस में आप लोग देख सकते हैं वाइट कलर है। 5-speed गेयरबॉक्स आप लोग को मिलेगा इसमें, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ, इनर राइडर क्लिप फुट ट्रेस, और देख सकते हैं स्टिकर का यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है वाइट कलर का। ऊपर में N60 लिखा हुआ मिल जाएगा, साड़ी गार्ड, और टायर हकर देख सकते हैं यहाँ पे डुअल टायर हकर आप लोग को मिलेगा, और मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोग को मिल जाएगा इसमें। चलिए आप लोग को लेके चलता हूँ इसके मीटर कंसोल को। तो इसमें आप लोग को एनालॉग मीटर के साथ डिजिटल मीटर मिल जाएगा आप लोग को, RPM लिमिट, ABS और फ्यूल गेज, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर डिजिटल आप लोग को मिलेगा। और इस तरफ देख सकते हैं इंजन मोड, फंक्शन, बैटरी, ABS। राइट हैंडल बार में आते हैं तो इसमें आप लोग को मिल जाएगा इंजन स्टार्ट के साथ किल स्विच का ऑप्शन, मिरर। लेफ्ट हैंडल बार में आप लोग को पासिंग स्विच, अप डाउन इंडिकेटर और हॉर्न का मिल जाएगा। 3D में आप लोग को मिल जाएगा पल्सर लिखा हुआ, रबर टैंक पैड। टैंक में आप लोग को मिल जाएगा 12 लीटर टैंक की कैपेसिटी। आप लोग को स्प्लिट सीट मिलता है इसमें, कंफर्ट काफ़ी अच्छी है, N60 लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरफ। और यह रहा रियर व्यू, टेल लैम्प, रिफ्लेक्टर, आप लोग को इस तरफ भी आप लोग को ABS और डिस्क ब्लेड मिलेगा। पीछे का टायर सेक्शन साइज है 120x80-17 इंचेस के अराइविल के साथ। इस तरफ भी आप लोग को मिल जाएगा प्लेन राइडर के फुट रेस, पीछे का ब्रेक और किक और सेल्फ दोनों मिल जाएगा आप लोग को इसमें। और दोस्तों इसके इंजन में आते हैं तो इसमें आप लोग को मिल जाएगा 160.3 cc 4-stroke SOH 2-valve लिक्विड ऑयल कूल्ड इंजन V6 वर्जन TDSI मिल जाएगा आप लोग को। और मैक्सिमम पावर की बात करें तो इसमें 17.2 PH 9000 RPM पर, और टार्क जनरेट करेगा 14.6 Nm 7250 RPM में मिल जाएगा आप लोग को। और वहीं गाड़ी की लंबाई की बात करें तो 2017 mm आप लोग को इसका लंबाई मिल जाएगा, चौड़ाई 803 mm का मिल जाएगा, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm मिलेगा आप लोग को। ऊंचाई की बात करें तो इसमें 160 mm का इसका ऊँचाई मिलेगा, और व्हील बेस 1372 mm का मिल जाएगा। और गाड़ी की वजन की बात करें तो इसमें आप लोग को मिल जाएगा 151 kg का वज़न। और लास्ट में इसकी माइलेज की बात करें तो इसमें आप लोग को 45 लीटर का आप लोग को माइलेज मिल जाएगा। सिटी में रहेंगे तो 1-2 लीटर का कम हो सकता है, 40 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन आप लोग हाईवे में रहेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा 45, जो कि बहुत ही अच्छे है। और ये रहा वॉकऑन वीडियो, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करना, और अच्छा लगा तो फिर लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।